दोस्तों KTM RC सीरीज की सारी बाइक्स लीक हो गई हैं ऑनलाइन और बहुत जल्द एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में आ जाएंगी 2022 मॉडल के नाम से। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KTM RC 200 की और आपसे बताएंगे कि यहाँ पे बिग चेंजेस आपको क्या क्या मिलते हैं, क्या फीचर्स नए ऐड किए हैं और कौन से फीचर आपको पुराने वाले ही मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नया बाल मिसाल वीडियो में। नाम मतलब आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी ब्लेम के आइए करते हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है इसकी लुक और डिज़ाइन। अब कम्प्लीटली लुक और डिज़ाइन को चेंज कर दिया है। बिल्कुल आपको देख के ये नहीं लगेगी कि ये आपकी ये RC सीरीज की बाइक है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको चेंज मिलेगा, चाहे आप फ्रंट से देखेंगे, साइड से देखेंगे या फिर रेयर से देखेंगे। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में अब ये एक बिगर फ्रंट सेक्शन के साथ आता है जो कि सिंगल हेडलैम्प आएगा। आपने देखा होगा कि डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते थे RC 200 में पहले के मॉडल में, लेकिन अब यहाँ पे सिंगल हेडलैम्प मिल जाएगा। ये LED भी हो सकता है या फिर हैलोजन भी हो सकता है। अब देखिए वो तो डिपेंड करता है कि किस टाइप में कंपनी देती है। अगर LED आ जाए तो और ज़्यादा बेटर होगा। उसी के साथ अगर इसके फ्रंट सेक्शन पर देखेंगे तो कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाएगी और फेयरिंग में ही आपको अटैच्ड मिलेंगी इसकी LED DRLs जो कि वर्क करेंगी एज आ टर्न सिग्नल हेडलैम्प, यानी साइड इंडिकेटर्स के रूप में भी वर्क करेंगी। पहले आपने देखा होगा कि RC सीरीज की जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स थी वो उनके साइड मिरर्स में ही अटैच थी, अब ये आपको फेयरिंग में ही अटैच करके दे दी गई है। दूसरी तरफ साइड से लुक देखेंगे तो साइड से फेयरिंग को कम्प्लीटली चेंज किया गया है और यहाँ पर जो न्यू फेयरिंग है उससे तकरीबन 1.5 kg का वेट कम हो गया है हर KTM बाइक का RC सीरीज की अगर मैं बात करूं। और ये जो नया डिज़ाइन बनाया गया है, नई जो फेयरिंग लगाई गई है, जो साइड पैनल्स नए लगाए गए हैं, इसकी मदद से जो बाइक है वो और ज़्यादा एरोडायनेमिक बन जाएगी और यहाँ पे परफॉर्मेंस और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और अब बात करते हैं इसके रेयर सेक्शन की, तो रेयर से कम्प्लीटली इस बाइक को चेंज कर दिया है और अब आपको यहाँ एक ऑल न्यू LED टेल लैम्प मिल जाएगी और जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED ही मिलते हैं। जो सीट्स है दोस्तों उसमें भी चेंजेस आपको कम्प्लीटली मिलेंगे। यहाँ पे अब जो सीट्स दी गई है, चाहे आप राइडर की बात करें या फिर पिलियन की बात करें, वो और ज़्यादा कुशन्ड है और ज़्यादा कंफर्टेबल है। और सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा इसके पिलियन सीट में। जहाँ पहले मोल्डेड सीट्स आती थी आपकी KTM RC 200 में, अब वहाँ पे पिलियन की जो सीट है वो वैसी नहीं दी गई है, काफ़ी कुशन्ड आएगी। हालांकि स्पेसियस इसको बनाया गया है, पर ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको टूरिंग बाइक वाली सीट मिल जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है। पर उस हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है, क्योंकि पहले से इसको ज़्यादा बेटर बना दिया गया है। एक आप और बड़ा नोटिस करेंगे इसमें चेंज, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहले आपकी KTM RC की बाइक्स आती थी उनमें जो आपको फ्रेम मिलता था, वो आपको जो चेचिस मिलती थी वो सिंगल पीस में मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे नया बोल्ट ऑन सब फ्रेम ऐड किया है जो कि आपके ड्यूक 390 में मिलता है। इसमें क्या होगा कि बोल्ट लगे रहते हैं आपकी सीट्स के नीचे जहाँ से फ्रेम डिवाइड होता है। अब अगर आपका मान लीजिए पीछे का फ्रेम ख़राब हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप उसको ईजिली चेंज करा सकते हैं। आधे को पूरा फ्रेम, पूरा इसका चेचिस चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जो कॉस्ट है वो काफ़ी मिनिमल हो जाएगी इसकी रिपेयरिंग की। इसी के साथ इसकी जो स्टेयरिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी और अब यहाँ एक नया ट्रिपल क्लैंप स्टेयरिंग मिल जाएगा जो कि एक क्लिप ऑन हैंडल बार है। पर यहाँ पे आपने 390 में देखा होगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि वहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टर भी लगाए हुए थे, पर ये सिंपल सा दिख रहा है, यानी यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन का एडजस्टमेंट नहीं आएगा। इंजन की बात करता हूँ RC 200 की, तो देखिए इंजन में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इंजन आपको जो पहले मिलता था वही सेम सा इंजन यहाँ भी मिलेगा। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 199.5 cc का लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 25 HP की और मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 19.2 न्यूटन मीटर की। तो यहाँ पे इंजन में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। और जो चेंज देखने को मिलेगा वो मिलेगा इसके कूलिंग सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे एक कर्व रेडिएटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 2 रेडिएटर फैंस के साथ आते हैं, 1 आइदर साइड, इसका मतलब एक दोनों तरफ, मतलब एक एक रेडिएटर फैन का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए जो पहले लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत होती थी, खासकर KTM ड्यूक 390 RC 390 में, कि बहुत ज़्यादा हीट होती थी, उसको काबू करने के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव कंपनी ने लिया हुआ है और ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और इस नए कूलिंग सिस्टम का ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है खास करके RC 390 को और ड्यूक 390 को, क्योंकि ये दोनों बाइक्स ज़्यादा बिगर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स हैं और यहाँ पे जो बाइक प्रोड्यूस करती है हीट वो सबसे ज़्यादा करती है। तो ज़्यादा बेटर आपका कूलिंग मिलने वाला है RC 390 में और ड्यूक 390 में। हालांकि अगर हम बात करें RC 125 और RC 200 में, तो देखिए उसमें भी चेंजेस आपको मिल सकते हैं।
और यहाँ पे आप एक और बड़ा चेंज नोटिस करेंगे, वो है इसका TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल। क्योंकि अगर आप देखेंगे RC390 को तो वहाँ पे तो आपको क्लियरली विजिबल है, पर जो लीक हुई हैं इमेजेस RC200 की और 125 की भी, दोनों में आपको उसमें शो हो रहा है कि TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। हालांकि देखिए, वो TFT है या फिर डिजिटल है वो तो अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि TFT ही आएगा RC200 में भी, तो नेविगेशन वगैरह का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। हालांकि TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल होना एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट नहीं है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्प्ले होगी आपकी तब भी जो है उसमें भी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर मैं टायर्स की बात करता हूँ और इसके सस्पेंशन की बात करता हूँ, तो देखिए फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक WP का सस्पेंशन मिलेगा, जो कि एक अपसाइड डाउन फोर्क है। रेयर में आपको एक मोनोशॉक मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और वो आपको काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, हालांकि स्टिफर सस्पेंशन है। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे इस बाइक में, वो है इसके टायर्स और इसके अलॉय व्हील्स। अब अलॉय व्हील्स इसमें नए इस्तेमाल किए गए हैं, 5 स्पोक का अलॉय व्हील इस बाइक में आपको मिलेगा। अब ये जो स्पोक व्हील है, 5 स्पोक्स होने की वजह से इसका वेट भी रिड्यूस है, जिससे परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यानी वेट कम करके वेट पावर टू वेट रेशियो जो है वो काफ़ी इंप्रूव करके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा KTM ने इस बार काम किया है, और एक्सपेक्ट ऐसा आप कर सकते हैं कि आपकी करंट जनरेशन से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी इस नई वाली बाइक में। और अगर आप ब्रेक्स को देखें तो ब्रेक्स आपको फ्रंट एंड रियर में सेम मिलते हैं। मेटजेलर के टायर इस बाइक में आएंगे, फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर मिलेगा, रियर में 140 सेक्शन का टायर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की और इसके प्राइस की। तो ये जो बाइक है आपकी आराम से 2022 के हाफ के पहले ही लॉन्च हो जाएगी, और COVID-19 का सिनेरियो जैसे ही ठीक होता है वैसे ही आपकी बाइक मार्केट में मिल जाएगी। तो अगर आप अभी करंट मॉडल की प्राइस देखेंगे तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 2,05,000 रुपीज़ के आसपास, और ऑन रोड प्राइस 2,38,000-39,000 के आसपास जाती है। पर ये तकरीबन 20,000-25,000 इंक्रीज हो सकती है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ऑफिशियल लीक नहीं है। पर जो नए चेंजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं तो तकरीबन 15,000-20,000 या 25,000 तक का इसमें आपको इजाफा दे सकता है। और जिस हिसाब से इस बार RC200 को डिज़ाइन किया गया है, इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरियंट, वो आप देख के इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये बाइक आपकी बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। इंजन में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत रिफाइन हो सकता है, ये चेंज मिल सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट आपका सेम सा रहने वाला। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होगी, ये आपका एक बड़ा सवाल हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो अलॉय व्हील यूज़ किया गया है वो 5 स्पोक्स का है, जिसकी मदद से क्या होगा कि वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पहले वाले अलॉय व्हील से। और उसी के साथ फेयरिंग को भी लाइटर बनाया गया है, ज़्यादा एरोडायनेमिक इस फेयरिंग को बनाया गया है, तो हवा को चीरते हुए आगे निकलेगी, जिसकी वजह से आपकी बाइक की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे पावर टू जो वेट रेशियो होता है वो और अच्छा होने की वजह से आपको और ज़्यादा पावर फील होगी, और बाइक की जो एक्सेलरेशन है, बाइक की जो टॉप स्पीड है, उसमें भी आपको खासा इजाफा नजर आएगा। ये जो सारी डिटेल्स थी आपको पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये डिज़ाइन नई वाली अच्छी लगी है या नहीं लगी, कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लगती थी, पहले वाली या अब जो नई जनरेशन लॉन्च होने वाली है वो, और फीचर्स आपको इसके कैसे लगे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।